नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, जिनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। वो अभी सीपीआई के नेता हैं, पहले जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज एनपीटी के साथ बातचीत हम करते हैं इनसे। कन्हैया जी, पहला सवाल मेरा यही है कि 2019 में लोकसभा चुनाव का जो आपका अनुभव रहा बेगूसराय में, खासतौर पर फायर ब्रांड नेता, जिस विचारधारा के खिलाफ आप लगातार आवाज उठाते आए हैं, और जो एक हार हुई आपकी, उसकी तुलना में 2020 के महासमर में आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है क्या? सबसे पहले आलोक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने ये सवाल पूछा है कि 2019 में आपकी हार हुई। मैं समझता हूँ कि हार जीत लोकतंत्र में होते रहता है। लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़े बड़े लोग, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बड़े बड़े लोगों को चुनावी हार मिली है। मुझे लगता है कि हार से ज्यादा जरूरी है लड़ना, लड़ाई जरूरी है। हार जीत तो अगर आपकी लड़ाई ईमानदार है, सही मुद्दों को लेकर के है, तो कभी ना कभी आप जरूर जीतेंगे। और मैं तो बेगूसराय के लोकसभा चुनाव को हारने से ज्यादा लड़ने के लिए याद करता हूँ। और आपने कहा कि अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही हो गया है कि बेगूसराय में जो है हम लोगों को दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ी। एक तरफ जो है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी था, और दूसरी तरफ जो है आरजेडी, कांग्रेस और उनके साथ जो है और कई दल थे। और फिर भी हम लोग लड़े और सेकंड किया। वहां पे 3 लाख के करीब हम लोगों को वोट आया। हमने जो है अपनी जमानत बचाई। जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता धन्यवाद की पात्र है। और वहाँ जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस 7 में जी से 5 में हम लोग सेकंड किए थे। और मुझे लगता है कि जो बिहारी की भाषा में बोले तो जो जोड़न डाले थे हम लोग लोकसभा चुनाव में, वही लगता है कि जम रहा है कि उस 7 में अच्छा से 4 पे जो है लेफ्ट पार्टी लड़ रही है, 2 पे आरजेडी लड़ रही है, और 1 पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही। कन्हैया जी, एक चीज जानना चाहूंगा। लड़ाई, आपने कहा कि लड़ना जरूरी होता है, चाहे वो अपनी विचारधारा के लिए हो, हक हुकूक के लिए हो, बात सही है। लेकिन जिसके खिलाफ आप लड़े थे, तनवीर हसन भी थे उसमें, आप उनके साथ आज लड़ रहे हैं, तो क्या परिस्थिति बदल गई? नहीं, आप मेरे लोकसभा चुनाव के कैंपेन को देखेंगे तो हमने बार बार ये कहा है, और अभी भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ, कि हमारी लड़ाई किसी भी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ताकतों से नहीं है। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमने लोकसभा चुनाव में भी तनवीर जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आरजेडी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, या जो दूसरे घटक दल थे, चाहे वो मांझी जी हो, मुकेश सहनी हो, या उपेंद्र कुशवाहा जी हो, किसी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। हमारी लड़ाई बिल्कुल साफ थी। हमने कहा कि राजनीति नेता पे नहीं, नीति पे केंद्रित होना चाहिए। और नीति पे केंद्रित होने और नीति पे केंद्रित राजनीति को करने के लिए जो हमने प्रयास किए थे, उसका रिजल्ट भी जो है हम लोगों को कुछ कुछ मिलना शुरू हुआ। अपनी घोषणा पत्र में हमने बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे एक विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी। और लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ, विधानसभा चुनाव 2020 में हो रहा है। आप देख लीजिए कि सभी नेताओं के द्वारा यह बात जोर शोर से आज उठाई जा रही है कि कि दिनकर का बेगूसराय में विश्वविद्यालय। दिनकर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि लेकिन हमारी लड़ाई आगे बढ़ी है, और इस कन्हैया, लड़ाई एक में जो लोग सवाल है। भी हाँ, जो लोग भी एक शामिल हो सवाल रहे है, हैं, बिल्कुल। जी मैं खत्म कर सकता हूँ, हाँ इस लड़ाई में जो लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत है। तहे दिल से उनका धन्यवाद और शुक्रिया। और कबीर एक बात कहते हैं ना, कबीरा खरा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, नीतियों की है, और इस नीति में जो भी हमारे साथ चले, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कन्हैया, आपने कहा कि आप सामाजिक एकता, धार्मिक सद्भाव, इनको बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ आपकी लड़ाई है। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, जैसा आपने कहा कि इसलिए आरजेडी साथ भी थी, पहले आप उनके खिलाफ भी लड़े, लेकिन एक बृहत्तर उद्देश्य के लिए साथ है।
क्या यही सोच आपकी नीतीश कुमार के बारे में भी है, और बीजेपी से अलग राय रखते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में, या दोनों आप समझते हैं कि एक ही देखिए, सिक्के के दो पहलू? मैं कभी भी इस तरह के विश्लेषण और इस तरह के विवेचना में भरोसा नहीं करता। किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता के कार्यकाल को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जाना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप समालोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। नीतीश जी बतौर मुख्यमंत्री जब चुन करके आए थे तो बिहार की जनता ने बदलाव की एक उम्मीद उनके भीतर देखी थी। शुरुआती दिनों में नीतीश जी ने कुछ जो काम किए उसकी प्रशंसा भी लोगों ने की, लेकिन आज के समय में स्थिति ये है कि नीतीश जी से लोग कहीं ना कहीं उबा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप बिहार के गांव गलियों में घूम रहे होंगे और जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे तो आपको यह सुनने को मिल रहा होगा कि लोग नीतीश जी से बहुत नाखुश हैं। तो ये एक स्थिति है, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ भाजपा भी 15 साल शासन में रही है, और नीतीश जी को जब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो सुशील मोदी जी को भी उस कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी साथ में सरकार चला रहे हैं। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत चालाकी से सारा राजनीतिक विमर्श जो है नीतीश जी के ऊपर केंद्रित की है ताकि वो अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी नाकामियों से बच जाए। मैं एक उदाहरण बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोरोना काल बिल्कुल में बिहार ने एक बड़ी गंभीर परिस्थिति देखी। एक तो लाखों मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर चल करके बिहार आए और यहाँ उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, और जो लोग बीमार हो रहे थे अस्पतालों के बहुत बुरे हाल थे। मैं पूछता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री तो हमारे माननीय मंगल पांडे जी है ना, तो क्या ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए? तो सेलेक्टिव तरीके से यह बात इसलिए उठाई जाती है ताकि असली सवाल को कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया जाए। असल सवाल क्या है? आपको भी लगता है कन्हैया जी कि कहीं ना कहीं भाजपा अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को आगे कर कमियां छुपाने की कोशिश कर रही है, जो चिराग पासवान जैसा? ये तो हमने जो है पिछले कई सालों में देखा है कि अच्छा जो होता है वो मोदी जी का और बुरा जो होता है वो नीतीश जी का। ये तो चल ही रहा है बिहार में पिछले कई दिनों से। हमने कहा कि कोई भी, अगर हम राजनीतिक आलोचना करेंगे किसी भी सरकार का, तो उस सरकार में शामिल जो घटक दल हैं उन सब की जिम्मेवारी तय की जाएगी, और ये जिम्मेवारी जो है वो एलजेपी की भी तय की जाएगी कि एलजेपी भी तो एनडीए का पार्ट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एलजेपी जो है वो एनडीए का पार्ट नहीं रहे हैं। ये देखिए, बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकल जनता है। आप देश के किसी हिस्से में चले जाइए, बिहार के बारे में मुक्त कंठ से जो एक बात कहते हैं कि बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकल होते हैं। चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, चाय की दुकान हो, ट्रेन हो, बस हो, चौक हो, चौराहा हो, गली हो, नुक्कड़ हो, प्रोमिनेंटली अगर कोई चर्चा होती है बिहार में तो वो पॉलिटिकल चर्चा होती है, और इस बात को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जो खेल कर रही है उस खेल को बिहार की जनता समझ रही है, और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि बिहार के लोग जरूर देंगे। उनके विवेक पे हमको पूरा भरोसा है। तो अभी हाल ही में आपने एक बयान दिया बेगूसराय में कि मोदी ने अब ईवीएम हैक करने के बदले सीएम हैक करना शुरू किया है, तो इसको थोड़ा इलोबरेट करेंगे क्या? मतलब ये किस संदर्भ में था? देखिए, चुनावी सभाओं में लोग अपने राजनीतिक विरोधियों पे तंज करते हैं। एक्चुअली उस सभा में, उस भाषण में मैंने दो राजनीतिक जो है तंज किया था। पहला तंज ये किया था कि आप ज्यादा मुझे देशद्रोही कहेंगे तो भाजपा ज्वाइन तो मैं करूंगा। भाजपा ज्वाइन करूंगा। ये तंज मैंने इसलिए किया कि भाजपा जितने भी आरोप लगाते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पे वो सारे आरोप धुल जाते हैं जो ही वो इंसान उस पार्टी का हिस्सा हो जाता है। और हमने उदाहरण दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कि पिछली बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था
तो बीजेपी भर भर के उनको गालियां निकाल रही थी, सब कुछ कह रही थी, और आज जो है वो भाजपा में शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छे हो गए हैं। मैंने मुकुल राय का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर घोटाले करने का आरोप था, लेकिन वो जो ही भाजपा ज्वाइन कर लिए टीएमसी छोड़ करके तो बहुत अच्छा हो गए। तो ये बीजेपी का जो आरोप है वो निराधार है, और ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को उनका चरित्र हनन करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बहुत हिपोक्रेट लोग हैं, हिपोक्रेसी इनके भीतर भरी हुई है, इनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं हिपोक्रेसी कुट कुट करके भरी हुई है। तो इसका विरोध जो है हमने किया था। दूसरा तंज हमने किया कि लोग चिंता जाहिर करते हैं ईवीएम का, बीजेपी तो बिहार सीएम ही हैक कर ली। आप मैंडेट देखिए 2015 के चुनाव का, वो मैंडेट भाजपा को नहीं मिला, वो मैंडेट भाजपा के खिलाफ था, वो मैंडेट नीतीश जी को मिला, आरजेडी को मिला, कांग्रेस को मिला, क्योंकि वो दल साथ में थे, हमको भी नहीं मिला क्योंकि लेफ्ट पार्टी जो है 2015 में उस महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, तो हमको भी नहीं मिला, ऐसा नहीं कह रहे कि हमको मिला। तो फिर जो है सीएम जो है कैसे उस मैंडेट को छोड़ करके फिर उसी पार्टी के साथ चले गए। तो ये हमने एक पॉलिटिकल सवाल उठाया कि जब आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रतिनिधि चुन करके जाए और रिजॉर्ट रिजॉर्ट ना घूमे, जैसे कोना कोना कौन कोना होता है, है? हमने जिसने ऊपर भरोसा जताया है, उनकी विचारधारा पे भरोसा जताया है, वो अपनी विचारधारा पे टिके रहे, उनकी विचारधारा और उनका राजनीतिक घोषणा पत्र वो हरेक माल की दुकान में बिकने वाला नहीं हो, वो जो है उनकी समझ, उनकी समझदारी, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता उनके काम में दिखना चाहिए। ऐसी लोकतंत्र की हालत बना दी गई है जैसे लोकतंत्र ऑन सेल हो कि भाई जीत करके आए किसी और पार्टी से, रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं किसी और पार्टी के, वोट लिया किसी और नारे से, सरकार बना लिया किसी और के साथ। आप हरियाणा का उदाहरण लीजिए, दुष्यंत जी का भाषण उठा करके देख लीजिए, भर भर करके जो है बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, जब परिणाम आया तो उनके साथ सरकार बना लिए। तो मैं बस यही आप भी इस्तेमाल हो जाते हैं असल में राष्ट्रीय राजनीति में। देखें जैसे दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव होने थे तो 4 साल तक अरविंद केजरीवाल ने आपके खिलाफ 4 सीट की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब चुनाव हो रहा था और उनको लगा कि कुछ फायदा हो सकता है तो उन्होंने ये अनुमति दे दी। आपको क्या लगता है कि आपका भी इस्तेमाल होता है? ये अलग बात है कि आप रिजॉर्ट नहीं जा सकते क्योंकि आप छात्र नेता रहे हैं और अभी विधायक या सांसद नहीं है, लेकिन छात्र नेता भी रिजॉर्ट जाते हैं आलोक जी। अच्छा, छात्र नेता भी रिजॉर्ट जाते हैं। दिल्ली में ही 2 विश्वविद्यालय हैं, और विश्वविद्यालय हैं लेकिन 2 विश्वविद्यालय में चुनाव होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू। आप देख लीजिए कि जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता भी रिजॉर्ट जाते हैं, वहां किस तरीके से इलेक्शन होता है। देखिए ये राजनीतिक शुचिता का प्रश्न है जिसपे मैं बार बार अपनी बात रखता हूँ कि अगर हम देश को ठीक रखना चाहते हैं तो हमको देश की राजनीति को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज से संबंधित नीति का निर्धारण राजनीति से होता है। इसीलिए अगर राजनीति ठीक रहेगी तो समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा। इसलिए हम केजरीवाल ने अपना राजनीतिक इस्तेमाल किया आपको लगता है ऐसा करके? नहीं, केजरीवाल हमारा राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे कर सकते हैं, वो एक कानूनी चीज है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में अगर किसी भी इंसान के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है तो राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। दरअसल उसमें सारा खेल तो बीजेपी ने किया, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, और हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं उनका जो बेटा है वो जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है, उस पे हम बार बार सवाल पूछते हैं कि भाई तुम मेरिट की बात करते हो, तुम्हारी क्या मेरिट है, किस मेरिट से तुम बीसीसीआई की सेक्रेटरी बना दिए गए हो? तो बेटा के बारे में बोलिएगा तो बाप को गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक बात है कि आपके बेटे के बारे में बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो उनको गुस्सा लगने लगता है, उसको कहते हैं बिहारी भाषा में कि मिर्चाए लगता है भाजपा को। तो मिर्चाए जब उनको लगा तो जो है वो आनंद फानन में जो है हमारे खिलाफ चार्जशीट कर दिए। अब चार्जशीट कर दिए बिना अनुमति लिए, तो अनुमति तो लेना पड़ेगा। अब दिल्ली सरकार की क्या मजबूरी है ये समझिए। दिल्ली सरकार ने एक जांच करवाया, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करवाई, और डीएम की इंक्वायरी में मुझे निर्दोष पाया गया, तो उस इंक्वायरी के बेसिस पे वो निर्णय ले कि दिल्ली पुलिस के जो है चार्जशीट पे के बेसिस पे जो है निर्णय ले। फाइनली उन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया है, डिसीजन जो है वो कोर्ट को लेना है। अब सारा डिस्कोर्स जो है भाजपा ने इसी बात पर ला करके टिका दिया
केजरीवाल ही बचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया परमिशन ले लीजिए, वो तो फाइनल निर्णय जो है वो कोर्ट लेगी। अभी तक जो है उस पर कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, और जब दिया गया परमिशन तो हमने आपको और आपके जैसे तमाम मीडिया साथियों को हमने कहा कि हम स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। अब देखिए ना कि परमिशन जो है वो फरवरी में मिला, 28 तारीख को रैली की है पटना में लाखों लोगों की, और 28 तारीख को परमिशन मिला, तब से लेकर के आप अब तक इंतजार कर रहे हैं कि जो है कब स्पीडी ट्रायल शुरू होगा। स्पीडी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा को जो कहीं ये भ्रम हो कि केस करके मुकदमा करके वो हमको डरा देगी, तो वो शायद जानते नहीं है बिहारियों को ठीक से। बिहार में दशरथ मांझी हुए थे, पहाड़ का जो अवरोध था, जो जो पहाड़ विशाल खड़ा था उसको काट करके रास्ता बना दिया था। जो पहाड़ काट करके रास्ता बना सकते हैं तो हम लोग भाजपा को हरा करके भी रास्ता बना सकते हैं, कि कानूनी दांवपेच से हम लोग घबराने वाले नहीं है। एक वैचारिक दांव भी खेला है जेपी नड्डा ने, आप सुन रहे होंगे पिछले एक हफ्ते से जितनी सभाएं उन्होंने की है खासकर शाहबाद इलाके में और चंपारण के इलाके में, उन्होंने ये कहा कि ये जो आरजेडी है वो लेफ्ट यूनिटी के नाम पर वर्ग संघर्ष, बहुत दिनों बाद इस तरह का डिस्कोर्स बिहार के चुनाव में दिख रहा है, वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहती है और वो जो जातीय दंगों की का इतिहास रहा है उसको दोबारा लाना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो एक हमला हुआ है वैचारिक हमला, इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आप माने के उम्मीदवारों के समर्थन में भी जाएंगे प्रचार करने? देखिए ये मैं बारी बारी से, दो प्रश्न है इसमें, दोनों का जवाब दे देता हूँ। एक तो मैं इधर उधर की बात पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं, जवाब नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि जवाब नहीं दिया। तो ये जो जेपी नड्डा हैं ये अनुकंपा प्राप्त नेता हैं, सबको पता है कि भाजपा के नेता मोदी जी हैं, ये अनुकंपा प्राप्त नेता हैं। तो वो जो है नड्डा जी वो चाहते हैं कि बिहार में गड्ढा खोदा जाए, तो जेपी नड्डा को हम लोग कभी कभी मजाक में जेसीबी का गड्ढा भी बोलते हैं। तो वो जो गड्ढा खोद रहे हैं, व्यक्तिगत सवालों का जवाब दे रहा हूँ, वो जो गड्ढा उत्तर प्रदेश में खोद रहे हैं वो चाहते हैं कि बिहार में भी खोदें, तो ये होने वाला नहीं है। इनका जो मुद्दा भटकाने का राजनीति है उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। हम लोगों का सीधा सवाल है कि 15 साल से आप सरकार चला रहे हैं, इस सरकार में जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए हैं? चाहे केंद्र सरकार में भाजपा के जो वादे थे उसका सवाल हो, या बिहार में बिहार की जनता को जो किया गया वादा है उसका सवाल हो। ये कहे थे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया गया? ये सब लोग का काम यही है, जैसे अंग्रेज करते थे ना डिवाइड एंड रूल, बीजेपी करती है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन का बात बोलो, लोगों को गैर जरूरी मुद्दों में उलझाओ और जनता के असली सवालों से लोगों का ध्यान भटकाओ। जो इनका जो ध्यान भटकाओ योजना है उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं है। रही दूसरी बात कि हम किसका प्रचार करेंगे, आप ये जान लीजिए कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैडर हूँ, और कम्युनिस्ट पार्टी हमको जो जो कहेगी, कहेगी भाषण देने के लिए भाषण देगी देंगे, कहेंगी दरी बिछाने के लिए तो दरी बिछाएंगे, जहां जहां कहेगी वहां वहां जाके प्रचार करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, एक तो इसी बहाने आप, क्या आपको लगता है कि इस बार जो एक समय पूरब का लेनिनग्राद कहा जाता था बेगूसराय को खास तौर पे, वो जो पहचान खो गई थी वो वापस पाने में तेजस्वी यादव आपकी मदद कर रहे हैं? देखिए लेनिनग्राद को वापस नहीं पाना है, ये बिहार की धरती है, बिहार के लोगों को लेनिन और मार्क्स की क्या जरूरत है? बिहार में जगदेव बाबू पैदा हुए जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता था, है? और एक एक लोग हुए हैं, मैं बिहार बिहार से आता हूँ, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, बेगूसराय मेरा घर है, बेगूसराय में दिनकर पैदा हुए हैं, बेगूसराय में मजबूत किसान आंदोलन हुआ है, बिहार में जो है बुद्ध पैदा हुए हैं, बिहार में जो है जैन मुनि पैदा हुए हैं, बिहार में जो है सिखों के गुरु पैदा हुए हैं, बिहार में जो है सहजानंद सरस्वती पैदा हुए हैं, बिहार में कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हैं, बिहार में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं, बिहार में कमजोर तो हुआ है ना 2 दशक में बिहार में, ये तो कमजोर तो है, इसको हम कहा स्वीकार कर रहे हैं? कमजोर हुआ है, बिहार की स्थिति पहले से खराब हुई है, इसको तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ। और बतौर राजनीतिक दल अगर बिहार की स्थिति में दुर्दशापूर्ण हालत पैदा हुई है तो उसकी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।
अरे सत्ता की भी जिम्मेवारी है और विपक्ष की भी जिम्मेवारी है, हम कमजोर लेकिन हुए मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, सत्ता पक्ष को मिला। बिल्कुल जो चतुरानंद मिश्र के समय किसानों में और गरीब गुरबों में सीपीआई खासतौर पे उत्तर बिहार के भी कई इलाकों में और अलग अलग हिस्सों में कुछ पॉकेट में सीपीएम कहीं माले एक मजबूती से उभरा, और ये माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो जातिवाद का कार्ड खेला उसके कारण उनका हाथ रहा लेफ्ट के पराभव बिहार में। क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि 90 के दशक में ऐसा हुआ? देखिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ कि चाहे इंतजार करना पड़ा लेकिन बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नेता नहीं नीति का सवाल प्रमुखता से आया है, और सभी दल के लोग चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, उसमें बीजेपी को आप छोड़ दीजिए, उसका काम ही है हिंदू मुसलमान करना, इसके अलावा उसको कुछ करने ही नहीं आता है। लेकिन आप देखिए कि नीतीश जी भी बार बार अपने भाषणों में 7 निश्चय को गिना रहे हैं, और जो महागठबंधन के नेता हैं वही अपने वो भी अपने भाषणों में इम्प्लॉयमेंट की बात, पलायन को रोकने की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार में फिर से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स अगर खड़ा हुआ है तो ये स्वागत योग्य कदम है, और मैं समझता हूँ कि इसमें लेफ्ट को अपनी एक बहुत बड़ी जीत माननी चाहिए कि जनता के मुद्दों पर आधारित पॉलिटिकल डिस्कोर्स अगर चुनाव का डिस्कोर्स बना है तो उसमें लेफ्ट की एक बड़ी भूमिका है और लेफ्ट को उसको आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। अब एक सवाल ये है जो दो मुख्य, अभी आपने 7 निश्चय की बात की तो पार्ट 2 7 निश्चय ये नीतीश कुमार का है कि मैं इसको लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो एक बड़ा ऐलान है कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां मैं दूंगा, कितना प्रैग्मेटिक मानते हैं आप, दोनों में कौन ज्यादा व्यवहारिक लगता है आपको? देखिए एक बात तो हम बता देते हैं कि जो बहानेबाजी की जाती है रेवेन्यू को लेकर के कि बिहार में पैसा नहीं है तो रोजगार नहीं दिया जा सकता है, ये पूरी हकीकत नहीं है। इसमें सबसे प्रमुख सवाल यह है कि राजनीतिक प्राथमिकता क्या है, राजनीतिक प्राथमिकता को हम कैसे देखते हैं, इसको समझने का मैं एक मिनट आपका वक्त लूंगा। कि बिहार में एस्टिमेट का घोटाला होता है, एस्टिमेट का घोटाला का मतलब क्या है कि कुर्सी का एक्चुअल मार्केट प्राइस 500 रुपया है लेकिन जो सरकारी बिल लगाया जाएगा उसमें उसको 1500 रुपया लगाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस बजट से 3 कुर्सी खरीदी जा सकती उससे 1 कुर्सी खरीदा गया है। तो अगर रेवेन्यू का जो हमारे पास अवेलेबल रेवेन्यू है उसका भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और बिहार के जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रिसोर्सेज अगर उसको एक्सप्लोर किया जाए तो बिहार भी बेहतर राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। एक बार प्राथमिकता की बात हमने क्यों की, प्राथमिकता की बात हमने इसलिए की कि अभी आपको पता है कि 8,000 करोड़ का जहाज खरीदा गया है। जिस देश में गरीबी हो, जिस देश में -24% जो है इकोनॉमिक ग्रोथ चला गया हो, उस देश में 8,000 करोड़ का विमान खरीदने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले जो लोग हैं उनको कैपिटल सपोर्ट किया जाए। अगर उनको कैपिटल से सपोर्ट किया जाएगा, उनको पैसे से सपोर्ट किया जाएगा। यही तो नीतीश कुमार कह रहे हैं, का एक निश्चय ये भी तो है कि मैं पैसे दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाऊंगा और लोग उससे अपना रोजगार कर पाएंगे। मेरा सवाल यही था कि 10 लाख नौकरी आपको ज्यादा व्यवहारिक लग रहा है क्या, क्योंकि उसमें भी तो सरकारी अमले और खर्च ही तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जनता के पैसे का तो वो व्यवहारिक कहाँ है? जो अवेलेबल रेवेन्यू है, देखिए मेरा ये कहना है कि जो अवेलेबल रेवेन्यू है नया रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है अगर अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक से एक्सप्लोर किया जाए। एक एग्जांपल से मैं इसको समझा सकता हूँ। बिहार के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, पढ़ने वाला बच्चा बिहारी, वहां पे टीचर जो पढ़ाते हैं वो बिहारी। तो हम कह रहे हैं कि कोटा में ऐसा क्या है, वो कोचिंग मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं चल सकता है, और वहां बिहार के बच्चे यहाँ का पैसा लेकर के जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, और वहां जो टीचर नौकरी करते हैं वही घर खरीदते हैं, वहां राजस्थान की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो बिहार में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि एस्टिमेट का जो घोटाला है, जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का, कि आप देखिए कि राजनीतिक साज सज्जा में ऐशो आराम में 1,000 करोड़ रुपया बर्बाद किया जाता है, उसको कटौती कीजिए और वो पैसे जो हैं आप नए रोजगारों के सृजन में खर्च कीजिए, ये सवाल है। और 10 लाख रोजगार तो एसेंशियल सर्विसेज में ही दिया जा सकता है। हम ये बात आपकी स्वीकार करते हैं कि
कि आज दुनिया रोजगारोत्तर युग में प्रवेश कर रही है। उसका वजह यह है कि जो ऑटोमाइजेशन हुआ है, हम एआई के जमाने में रह रहे हैं, उसके चलते ह्यूमन लेबर की, फिजिकल लेबर की कटौती लगातार हो रही है। लेकिन बिहार जैसे बड़े राज्य के लिए, जहां लगभग 12 करोड़ की आबादी है, वहां 10 लाख लोग जो हैं वो तो एसेंशियल सर्विस देने में ही खर्च हो जाएंगे, पानी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योरिटी में, हेल्थ में, एजुकेशन में ही खर्च हो जाएंगे। तो इतना रोजगार तो दिया ही जा सकता है। रही बात और रोजगार पैदा करने की, तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, अगर हम एग्रेरियन डेवलपमेंट करें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना करें, तो नए रोजगारों का वहां सृजन हो सकता है। और सबसे ज्यादा जहां हम ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है जहां हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि बिहार के लड़के इंजीनियर नौकरी करते हैं गुड़गांव में, तो वो इंजीनियरिंग करें पटना में और नौकरी करें मुजफ्फरपुर में। और सर्विस सेक्टर में जो जॉब है, जो कॉल सेंटर का जॉब है, वो तो देश के किसी कोने से हो सकता है। जब वो गुड़गांव से कॉल सेंटर चल सकता है, तो भागलपुर से भी चल सकता है, बेगूसराय से भी चल सकता है, पूर्णिया से भी चल सकता है। ये पॉलिटिकल विजन का सवाल है। अगर उस विजन पे काम करें तो ऐसा नहीं लगता है कि किया जा सकता है। बिल्कुल बात है कि मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। पिछले 15 वर्षों में यह भी हुआ कि जो 2.5% का ग्रोथ रेट था बिहार का, वो डबल डिजिट में पहुंचा। सर्विस सेक्टर में टीसीएस जैसी कंपनियों के कॉल सेंटर पटना में बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। मत्स्य क्षेत्र में और एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, अभी हाल ही में पिछले महीने भी प्रधानमंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ बिहार को दिया है। 2 फिशरीज यूनिवर्सिटीज उन्होंने रिसर्च के लिए बनवाई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका ब्लूप्रिंट और उनके ब्लूप्रिंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, कि आपकी, अगर आपका महागठबंधन सत्ता में आता है तो वो अचानक जो चीजें बची हुई हैं उसको आप मैंने 10 कदम 1 सेकंड के बदले आधे सेकंड में पूरी कर लेंगे? एक बात हम आपको कहें, पानी जब कहीं ठहर जाता है ना, तो बदबू मारने लगता है। और आपने देखा पिछले साल पटना में पानी ठहर गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताएं बताएं, मुझे आ रही आ रही है। हाँ कन्हैया जी कुछ कह रहे थे, पानी ठहर गया फिर? जी मैं कह रहा था कि पानी जब कहीं ठहर जाता है तो बदबू मारने लगता है और उससे बीमारियां फैलती हैं। पिछले साल आपने देखा कि बिहार की राजधानी पटना की क्या हालत है। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा कि सिर्फ कहने से विकास 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 नहीं होता है, विकास को जमीन पे लागू भी करना होता है। ये विकास विकास कह रहे हैं, हम लोगों को अगर अवसर मिलेगा तो हम विकास कर करके दिखाएंगे, और उसमें जो लूप होल्स हैं, जो फॉल्ट लाइन है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करेंगे। सबसे बड़ा लूप होल देखिए, ये तो टुकड़े टुकड़े करके हैं, ये तो समाज को बांटेंगे। हाँ, उनका फिर से ये कहना है, फिर इस चुनाव में। हाँ वो तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपका राजनीतिक विरोधी हूँ तो आप मुझे अच्छा कहेंगे कि खराब कहेंगे? आप मुझे अच्छा नहीं कहेंगे ना। जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं वो तो मेरी आलोचना ही करेंगे, मेरे ऊपर जो है मेरा चरित्र हनन ही करेंगे, मेरे ऊपर कीचड़ ही उछालेंगे। लेकिन मुझे वो कुछ कह दें, उससे वो अपनी जिम्मेवारियों से तो नहीं बच सकते हैं। मैं तो जो है स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ बिहार का, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ बिहार का, मैं देश का भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, मैं इस देश का एक साधारण नागरिक हूँ जैसे आप हैं। आपका प्रोफेशन है पत्रकारिता करना, मेरा प्रोफेशन था पीएचडी करना, हमने पीएचडी किया है, और आप आज हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उनको जो कहना है वो कहने दीजिए, लेकिन हम तो यही सवाल पूछेंगे ना कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ की घोषणा की, वो लाखों करोड़ बिहार में क्यों नहीं आया? यही प्रश्न पूछेंगे ना। कह तो वो रहे हैं पिछले 15 साल से कि वो विकास कर रहे हैं। विकास की हालत यह है कि पटना में ही जल निकासी की समस्या जो है वो ठीक नहीं हो पाई है। ब्रिज का उद्घाटन करके जाते हैं, ब्रिज उसके बाद टूट जाता है। बिहार के अंदर
जो स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए था वो स्ट्रक्चरल चेंज कितना हुआ है मुझे बता दीजिए, कि किसी भी दफ्तर में बिना घूस का आपका काम होता है? ये सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? क्या रोजगार सृजन के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है? क्या पलायन बिहार से रुका है? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, और उनको तो मौका मिला है, 15 साल को पावर में रहे हैं और उसको वो कितना डिलीवर किए हैं उसको जनता देख रही है। हाँ, यह बात हम मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि जब शुरू में आए थे नीतीश जी तो सड़कें बनी, ठीक है, तो लोगों को लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी आप हालत देख लीजिए कि कहीं ना कहीं वो जाकर के रुक गया है। और बिहार में एक उपन्यास आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है हिंदी में, मौका मिलेगा तो आप भी पढ़िएगा, रुकतापुर। ये बिहार रुकतापुर कैसे बन गया है? ये बिहार को चलतापुर और दौड़तापुर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, कहते आ रहे हैं, और जनता ने उनको मौका भी दिया है। हम कह रहे हैं, जनता अगर हमको मौका देगी तो हम करके दिखाएंगे। यही फर्क है हमारे में और उनमें। अच्छा, अभी हाल में कहीं आपने कहा, जिसको बहुत लोग कोट भी कर रहे हैं, प्रिंट में भी स्टोरी में कोट किया, कि ना मैं अंध विरोधी हूँ ना अंध समर्थक, मैं पीएचडी का रिसर्चर हूँ, मेरा दायित्व है कि मैं किसी भी चीज की तटस्थ भाव में कमियां देखूं और अच्छाइयां भी नहीं, तटस्थ तो नहीं कहा है। अच्छा, देखिए, तटस्थ नहीं कहा है। और मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती से आता हूँ। दिनकर जी ने कहा है, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम तटस्थ नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव हैं। तटस्थ होने में और ऑब्जेक्टिव होने में फर्क होता है। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब यह है कि हम बायस्ड होकर के किसी का सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोगों को रिसर्च में ये सिखाया गया है कि आप चीजों का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें। अगर आपके राजनीतिक विरोधी भी किसी गुण को रखते हैं तो उस गुण को हमको स्वीकार करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और हमला बोलना चाहिए। वो इन्फ्लुएंस के निकाला गया कि इस संदर्भ में कि इधर आप थोड़े शांत स्वभाव के हो गए हैं, पहले बहुत अटैकिंग मोड में हुआ करते थे, तो इसको लेके ये कहा गया है कि शायद कन्हैया आप थोड़ा संभल के, मतलब वो जैसे आपने कहा ना कि बिहार में सारे लोग पॉलिटिकल, तो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है ऐसा लोग कह रहे हैं, कि इसलिए वो थोड़ा संभल के अब चल रहे हैं कि जो बिहार के धरने में टिपिकल पॉलिटिशियन होता है। हम टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, ये बात तो सच है कि हम टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। तो मेरा जो है कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, मैं तो जो है ऐसे परिवार से आता हूँ, माने वो इलाके में ही राजनीति होती है, ये अलग बात है, लेकिन मेरे पिताजी तो पॉलिटिशियन नहीं थे, तो मैं टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक बात है ना। मैं कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करता हूँ। आप भी मतलब इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे बताइए कि एक भी मेरा राजनीतिक निर्णय आपको कन्वेंशनल पॉलिटिक्स लगता है क्या? कोई भी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि हमने तो तय ही यही किया है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शून्य न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हमने तो तय ही किया है प्रतिकूल धारा के साथ चलने का, और उसी परंपरा को हम जिंदा करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए बिहार का गौरव है। आप देखिए कि बिहार के हर दौर में ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सत्ता को चैलेंज किया है। मंडन मिश्र का आप नाम जानते होंगे, आप जो है बाबा नागार्जुन का नाम जानते होंगे, आप जो है, आप दिनकर जी के बारे में जान लीजिए कि दिनकर जी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे और पॉकेट में हमेशा इस्तीफा लेकर के घूमते थे जब वो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी की आलोचना करते थे। तो हम तो उस परंपरा को ही जिंदा करने की बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग सत्ता के सामने डट करके खड़ा होकर के सवाल पूछते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। और प्रश्न पूछने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि किसी के अंध समर्थक हैं या किसी के अंध विरोधी। अच्छा, एक कंपैरिजन तुलनात्मक, एक जो बहुत अध्ययन चल रहा है अभी कि नौजवानों के हाथ में भी सत्ता आए, एक यूथ को उसकी आवाज मिले, और उसमें आपकी तुलना की जाती है तेजस्वी यादव से, और ये कहा जाता है कि देखिए इस बार तो थोड़ा सा बहुत दिन में एक आध रैली कर रहे हैं कन्हैया, अभी तक 3 रैली ही कर पाए, एक बेनीपट्टी में, 2 बेगूसराय में, और तेजस्वी 7-7, 8-8 रैलियां धुआंधार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि कन्हैया को जितनी सीटें मिली है उनकी पार्टी को उसी हिसाब से एक्सपोजर भी दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक पार्टी का सदस्य हूं और मैं बार बार यह बात कहता हूं कि हमारी पार्टी के भीतर यह संस्कृति है और यह समझ है कि जिस व्यक्ति के लिए जो जिम्मेवारी निर्धारित की जाए वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे।
हम लोग इंटरनली जब डिस्कशन करते हैं तो एक बात बोलते हैं, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी और सामूहिक चेकअप। तो चेकअप सामूहिक होगा, निर्णय सामूहिक होगा, जिम्मेदारी व्यक्तिगत होगी। तो जो जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको करेंगे। पार्टी कहेगी भाषण देने के लिए तो घूम घूम के भाषण देंगे, पार्टी कहेगी दरी बिछाने के लिए तो घूम घूम करके दरी बिछाएंगे। इसमें कोई कोई चीज नहीं है और मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी है, इसको बढ़ाने की जरूरत। कैंपेन का जो बना होगा एक मतलब धर्रा एक तैयार हुआ होगा खाका, उसमें क्या हम आगे देख पाएंगे आप और तेजस्वी एक मंच से साझा? कन्हैया जी, हाँ, क्या क्या आप और तेजस्वी साझा मंच पे हम देख पाएगी बिहार की जनता इस चुनाव में? आपको दोनों का कुछ है क्या प्रोग्राम साथ? देखिए, पांच पार्टियों का अलायंस है, ठीक है, हर पार्टी की तरफ से एक जो है लोगों को लेकर के एक जॉइंट कैंपेन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया है। अब वो जॉइंट कैंपेन जो तैयार होगा, वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, वो जहां जहां कहेगी वहां वहां जाकर के प्रचार करेंगे। अभी तक हमारे पास जो है ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा, जो भी चीजें तय होंगी वो किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अननेसेसरी लोग इसमें जो है मसाला ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा ना करना चाहिए। मैं समझता हूं कि डिस्कोर्स को भटकाने की जरूरत नहीं है और मेरी तुलना जो है उनसे की भी नहीं जा सकती है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी पार्टी के जो है नेता हैं, और ना मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, ना मैं उनकी तरह जो है इलेक्टेड सदस्य हूँ, तो कहाँ जो है आप सेब की तुलना नारंगी से कर रहे हैं, ये सब संभव नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल चलते चलते, अगर महागठबंधन को जीत हासिल होती है और आप अगर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने में सफल होते हैं, तो क्या हम कन्हैया कुमार को भी, जो सरकार बनेगी तो बिल्कुल साझा सरकार बनेगी, उसमें हम देखेंगे, या आप सत्ता से दूर रहकर पार्टी के संगठन के लिए ही काम करेंगे? देखिए, ये तो बहुत दूर की बात है, अभी मैं इसमें जो जरूरी चीज है वो आपके सामने साझा कर देता हूँ। सवाल नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का ही नहीं है, वो तो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि जब कहते हैं ना कि बगल में खड़ा इंसान ही छुरा भुकने लगे तो सत्ता बचाना बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती आप देखिएगा कि जो ये कैंपेन होगा, यह बात स्पष्ट हो जाएगी, वो बीजेपी को रोकने की है। और बीजेपी को रोकने में अगर हम कामयाब हो पाए तो जो भी जिम्मेवारी मिलेगी हम करेंगे। जहां तक मेरा जो पॉलिटिक्स करने का एक इतिहास रहा है, और जिसमें आपने कहा कि टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो बेसिकली हम सड़क पर रहने वाले लोग हैं, हमको आंदोलन करने के लिए आता है, ठीक है। बाकी नई कोई जिम्मेवारी मिलेगी तो उसको देखेंगे। मेरे मन से अभी से ही जो है ना कोई ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, मन में ही पुआ पका लेने से क्या होता है, जो चुनौती है उसका सामना करना चाहिए। और चुनौती ये है कि नीतीश जी तो रुकेंगे, वो तो लगभग तय हो चुका है, भाजपा रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है कन्हैया जी, एनबीटी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बिहार के मुद्दों को लेकर अगर कुछ ऐसी बहस होती है जिसमें हम आपकी राय ले पाए, तो हम एनबीटी के पाठकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।